बाधित आवेदन व्यक्त अब फिलहाल क्या तो सामान पूरा खाली कर दिए है और क्या सो डबल बेडरूम में भी जाते पूरा सामान बाहर शिफ्ट करो बोले काफी सारा पूरा सामान बाहर निकाल के शिफ्ट करने के बाद ही आपको क्या सो वो दे तुम बोलने के बाद पूरा सामान बाहर रखे बाहर रखने के बाद डबल बेडरूम में बहुत प्रॉब्लम है वहाँ डोरा सही नहीं है क्या डोरा सही नहीं है और क्या सो तीन तीन चार चार फैमिलियाँ हैं एक डबल बेडरूम दिए तो रहेंगे कहाँ चार फैमिलियाँ हैं बच्चे दस दस बच्चे बारह बारह बच्चे नौ फ्लोर पे क्या सो डबल बेडरूम दिया पानी का भी प्रॉब्लम है वहाँ पे वहाँ के लिफ्ट का भी प्रॉब्लम है लिफ्ट बंद है पूरे वहाँ के सोसाइटी वाले बोल रहे तुम यहाँ आए कहीं को क्या यहाँ आओ नको तुम लोग यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा पानी का प्रॉब्लम चल रहा और पानी का इशू है और तुम्हारा चार चार पांच पांच फैमिली वाले आ गए तो डबल बेडरूम में कैसा रहेंगे क्या पूरा सोसाइटी खराब हो जाता वो सर्च पे है हाँ वो डबल बेडरूम देने की खुशी है खुशी तो है मगर आप चार चार फैमिली कहाँ जाएंगे साहब खुश है बोले तो एक फैमिली को एक डबल बेडरूम दे तो खुश हो जाते कोई भी खुश होते चार चार फैमिली बारह बारह बच्चे पंद्रह पंद्रह बच्चे कहाँ रहेंगे बोलो बारह बजे गए कल हम लोग वहाँ घर बताए तो गए तो वहाँ गएबान में से दरवाजा पूरा टूटा हुआ है हाँ सो बारह बजे से हम लोग बनाने की कोशिश करे जो वहाँ दिए नीचे लिख रहे ना उनको जाके बोले तो तुम लोग बना लो बोल के बोले बारह बजे से धोएंगे बोले तो पानी का खतरा पानी नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम है डबल बेडरूम में वही पानी की सहूलियत नहीं है लिफ्ट की सहूलियत नहीं है वहाँ पर हाँ ये हम लोगों को अब चार बच्चे बच्ची है बच्ची भी हमारे घर में है चार बच्चे है वो बच्ची को घर काम बस होता हम लोगों को दो एक फैमिली को फिर भी बस हो जाता अब दूसरी बच्ची बच्ची है माँ कने छे अब वो बच्ची को भी ले लेके हमारे बस नहीं हो रहा रूम ओके राइट मैं चूस्तुन्नाम डबल बेडरूम लो कूडा वसति लेवनी इक्कड मूसी బాధితులందరూ కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే చిన్న ఫ్యామిలీకి డబుల్ బెడ్రూమ్ అయితే సరిపోతుంది కానీ ఎక్కువ మంది జనాభా ఉన్న ఫ్యామిలీకి డబుల్ బెడ్రూమ్ సరిపోవట్లేదని కూడా ఇక్కడ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఎలాంటి వసతులు లేవు నీళ్లు లేవు లిఫ్ట్ పని మరోవైపు అంతా కూడా డ్రైనేజీ సరిగా లేదని కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఉటాఉటిన ఖాళీ చేయించి డబుల్ బెడ్రూమ్కు తరలిస్తున్నారు కానీ అక్కడ వసతులు లేక నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం మన